हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबीक्विक जिप बैलेंस में कुछ बैलेंस पड़ा रहता है और उन बैलेंस का आप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे इस महीने का बिल आ चुका है, तो मैं इस महीने का बिल कैसे पे करता हूँ वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आते हैं कि मेरा जो जिप बैलेंस में कितने बैलेंस पड़ा रहता है, आप देख सकते हैं 7,700 रुपीज़ मुझे यहाँ पर आ चुका है। तो एक तरीके मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको विड्रो करना है जिप बैलेंस का, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड को आपको कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन एनी क्यूआर कोड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड है उस क्यूआर कोड को आपको यहाँ पर स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो बेसिकली आप जितने अमाउंट विड्रो करना चाहते हैं यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट आपको वन टाइम में आपको मैक्सिमम अमाउंट इतने अमाउंट आप विड्रो कर सकते हैं, 1,999 ही आप विड्रो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप इजीली से देख सकते हैं आपका जो पे लेटर का ऑप्शन है वो पे लेटर इजीली से आ जाएगा, यानी मेरे जो जिप बैलेंस में बैलेंस पड़ा रहता है वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। आपको बेसिकली कंफर्म कर देना है, ये जो पैसा है पैसे डायरेक्ट आपके पेटीएम बिजनेस जो वॉलेट है वहाँ पर चला जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बैंक पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो जिप बैलेंस है वो बैलेंस इजली से विड्रो हो चुका है, ना कोई चार्ज है यहाँ पर, फ्री चार्ज में मेरे जो जितने भी बैलेंस है विड्रो हो चुका है। आप बात करते हैं कि अगर आपको पे लेटर ऑप्शन ना मिले तो आप कैसे विड्रो कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपने स्कैन क्यूआर कोड किया या आपका जो बिजनेस क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आप यहाँ से अमाउंट विड्रो करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो चुका है, जो पे लेटर ऑप्शन है वो पे लेटर ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है। इस हालत में आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ कि इस हालत में आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से आपका जो पे लेटर ऑप्शन है पे लेटर में जो बैलेंस पड़ा रहता है उन बैलेंस को कैसे विड्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी वॉल सर्विस वाले सेक्शन में, आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें फाइनेंशियल सर्विस जो ऑप्शन है इस पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड, जी हाँ आपको कार्ड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर दीजिए। तो मेरे देख सकते हैं मेरा जो जिप कार्ड है यहाँ पर टू व्यू डिटेल्स में कर देंगे तो मेरा जो अकाउंट नंबर ये इजीली से शो हो जाएगा। आपको अगर नहीं मिले तो यहाँ पर आपको कार्ड शो हो जाएगा, तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपको मांगा सकते हैं, तो आपको बेसिक डिटेल्स दे देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कार्ड नंबर इजीली से शो हो चुका है, तो आपको जो कार्ड नंबर दे चुका है उन कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना। जी हाँ, यहाँ पर मैंने इस कार्ड नंबर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको एक ऐप्स की ज़रूरत होगा, जी उसके बाद आपको एक ऐप्स की ज़रूरत होगा, वो ऐप्स है पेटीएम ऐप्स। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पेटीएम ऐप्स एक बहुत ही शानदार ऐप्स है, जहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते, बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या किसी भी रिसर्च कर सकते हैं, वो बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको इस ऐप्स नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे चुका हूँ, उसे आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आप उस पैसा को विड्रो कर सकते हैं, यानी जिप बैलेंस में जो बैलेंस पड़ा रहता है उसको कैसे आप विड्रो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पेटीएम वॉलेट मिल जाएगा, इस वॉलेट सेक्शन पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आप कितने अमाउंट आप विड्रो करना चाहते हैं उतने अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, यानी जिप बैलेंस में जो बैलेंस आपको पड़ा रहता है उतने अमाउंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए तेरा मैं आपको 1 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने 1 रुपीज़ ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस टू ऐड मनी कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, आपको इस वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर कार्ड नंबर दे चुका है, यानी जिप बैलेंस में जो कार्ड नंबर दे चुका है उस कार्ड नंबर को यहाँ पर हमें इंटर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपीरियंस ब्लड डेटा और उसके बाद यहाँ पर CVV बिठाने के बाद आपको पे नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को बिठा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर को बिठा दिया, यानी कार्ड नंबर जो है CVV है और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट ये मैंने बिठा दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चार्ज आपको लग जाएगा, यानी
2.95% आपको चार्ज लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बावजूद भी अगर आप विड्रो करना चाहते हैं जिप बैलेंस को, तो वह आप इजीली से विड्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने रुपीस आपको फाइन लग जाएगा। तो पहले से मैं तरीका बताया था कि आपको किसी भी बिजनेस क्यूआर कोड का स्कैन करना है, यानी पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, उस तरीका को आप अप्लाई करना है। वो तरीका आपको काम ना आए तो आपको क्या करना है, बेसिकली कुछ टाइम वेट करना है। अगर 1 डे या 2 डे के बाद आपको ट्राई करेंगे तो इजीली से आपको मिल जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि आपको पैसे विड्रो करना है तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको चार्ज लग जाएगा 2.95% आपको चार्ज लग जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप विड्रो करना चाहते हैं तो इजीली से विड्रो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको लिए यहाँ पर 1 रुपीज़ विड्रो करके आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भी यकीन आ जाए हाँ ज़रूर पैसे विड्रो होता है जी बैलेंस। जी हाँ, यहाँ पर 60 लाख कर आपको भी पैसा विड्रो कर सकते हैं। इसलिए से यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें इंटरफेस आ चुका है। तो हमें यहाँ पर OTP आ चुका है, OTP को यहाँ पर मैं फिलअप कर लिया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले OTP को बिठा देता हूँ। बिठाने के बाद यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पैसा विड्रो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जिप बैलेंस का जो बैलेंस है वो बैलेंस आप इजीली से विड्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।